Hi everyone. So today we are going to cover the subject diversity of prokaryotes, and आज का जो हमारा topic है वो है molecules. So its class है molecules. तो सबसे पहले तो हम इसका जो classification है वो देखेंगे. तो molecules आता है phylum. आप लोग बताओ, actually पहले molecules जो था वो phylum Firmicutes में आता था. फाइलम फर्मीक्यूट्स में आता था, बट अब ऐसा नहीं है. अब नाउ मॉलिक्यूल बिलोंग टू फाइलम. तो अगर आपके ऑप्शन में ऐसा आए तो आप फर्मीक्यूट बिल्कुल भी करके ना आए, आपका आंसर गलत हो जाएगा. अब मॉलिक्यूल्स है फाइलम टेनेरिक्यूट्स में, मैं यहां लिख देती हूँ टेनेरिक्यूट्स. तो ये स्पेलिंग आप लोग अच्छे से याद कर लेना. मॉलिक्यूट का जो फाइलम है वो है टेनेरिक्यूट्स. पहले ये फर्मीक्यूट्स में आते थे. अब जो टेनेरिक्यूट है ना, उसमें मोस्टली जिनके पास सेल वॉल नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली है ना वो टेनेरिक्यूट्स में आने लग गए हैं. तो जो मॉलिक्यूट्स हैं इनके पास भी सेल वॉल नहीं होता है, और ये पेप्टिडोग्लाइकिन प्रकर्सर जो होते हैं ना, जो पेप्टिडोग्लाइकिन बना सके, ऐसे प्रकर्सर इनके पास होते ही नहीं है, इसलिए पेप्टिडोग्लाइकिन यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होता है. तो इसलिए मॉलिक्यूल्स अब टेनेरिक्यूट्स में आने लगा है. तो अब हम आगे चलते हैं. तो अब ये कांट बताइए आप लोग क्या नहीं बना सकते. ये नहीं बना सकते पेप्टिडोग्लाइकिन, इसलिए इनके पास सेल वॉल नहीं होती है. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये आपको जरूर मेंशन करना है वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. अब इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कॉमन जो नाम है इनका सबने सुना होगा, बट मॉलिक्यूल्स हमने अभी पढ़ा है, पर इसका जो कॉमन नाम है हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. इसका जो कॉमन नाम है वो है माइकोप्लाज्मा, MYCO एंड प्लाज्मा. सो ये इसका कॉमन नाम है. ओके तो माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड दैट इज PPLO, ये क्या होते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप ये याद रखना है इसकी फुल फॉर्म. अब जो माइकोप्लाज्मा है इसका जो जीनोम है, जीनोम से मतलब है जेनेटिक मटेरियल, वो कम क्या होता है, स्मॉल होता है. ठीक है, इसलिए इसको स्टडी करना आसान है क्योंकि वो कम छोटा है. तो इसलिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म भी माना गया है, क्योंकि इसकी जो स्टडी करना है वो आसान हो जाती है, एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने सेल वॉल पढ़ ली, सेल वॉल नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोई भी सेल वॉल नहीं होती है. तो इसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसलिए ना इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, तो ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है. प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है, बहुत सारी शेप्स चेंज हो जाता है, जैसे कि कभी ये स्फेरिकल हो सकता है, और पेयर शेप्ड हो सकता है, हेलिकल हो सकता है. सो ये प्लियोमॉर्फिज्म है. ठीक है, पेयर लाइक नाशपाती टाइप कुछ, और हेलिकल तो आप जानते ही हो, स्फेरिकल गोल. तो इस तरह से ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. मॉडल ऑर्गेनिज्म ये एक मैंने जो आपको बताया था, कॉमनली नोन एज माइकोप्लाज्मा, आप उसमें PPLO ऐड कर सकते हो. सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब इसके जो कुछ स्पीसीज हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं. जो माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियम, स्पेलिंग पे ध्यान देना आप, माइकोप्लाज्मा जेनेटेलियम है, ये फ्लास्क या फिर पीयर शेप्ड होता है. ठीक है, पीयर शेप्ड होता है. ठीक है, उसके बाद माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जो कि क्या कर सकता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन. ओके,
उसके बाद देख लेते हैं कि ये ऑक्सीजनिक है या अनऑक्सीजनिक जो भी है। तो मोस्टली इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, मोस्टली ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब है कि अगर इनको ऑक्सीजन, इसका ये मतलब है कि वैसे इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बट अगर ऑक्सीजन मिल भी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि ये मर जाएंगे, ये जी लेंगे। बट कुछ होते हैं जो कि टोटली ऑब्लिगेट एनारोब है, अगर ऑक्सीजन मिली तो वो वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो कुछ हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, ठीक है, मोस्टली फैकल्टेटिव है। उसके बाद आप लोग जानते हो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म को अगार पे ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो जब इसको अगार पे ग्रो करवाते हैं तो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, फ्राइड एग की तरह, जब अंडे को फ्राई करते हैं तो उस तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। आप लोग गूगल करके देख सकते हो कि कैसा दिखता है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है ना, कि जब अगार पे इसको ग्रो करते हैं, एक तो इसकी अपीयरेंस होगी वो फ्राइड एग जैसी होगी, दूसरा ये क्या करेगा, सेंटर में ग्रो करेगा और फिर एजेस जो होती हैं किनारे पे वहाँ पे आउटवर्ड स्प्रेड होने लग जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ स्प्रेड होने लग जाता है। अब देखो आपको कुछ स्पीसीज के नाम हैं जो इसमें याद रखने हैं और आपको लिख के आने हैं, ये तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला है, ये नाम मैं पहले बता भी चुकी हूँ, माइकोप्लाज्मा, सॉरी माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। और जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, ये माइकोप्लाज्मा डॉट करके लिख रही हूँ, आप लोग बुरा ही लिख देना। दूसरा है माइकोप्लाज्मा निमोनी, ठीक है, स्पेलिंग्स पे आप लोग ध्यान देना, और बिल्कुल सही स्पेलिंग नहीं लिखोगे तो आपका कट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट यूरेली टिकम। अच्छा, जो मैंने पहले अभी आपको बताया था ना माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम के बारे में, तो वहाँ पे मैंने ये ई लिख दिया था, तो आप लोग सही कर लेना, करेक्ट स्पेलिंग ये है, ओके। वो कभी कभी गलती से हो जाता है, हम लिखते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं। अब देखिए, जो इसकी मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई, प्लियोमॉर्फिक होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो होता है स्टेरॉल। स्टेरॉल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है लिपिड्स में, तो वहाँ से आप लोग और डिटेल में पढ़ सकते हो, इनको स्टेरॉल चाहिए होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेरॉल्स क्यों चाहिए होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो जो ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी होती है सेल को जो चाहिए होती है, वो कौन मेंटेन करता है, स्टेरॉल मेंटेन द ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी ऑफ माइकोप्लाज्मा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ओके। उसके बाद ये क्या करते हैं माइकोप्लाज्मा में, एटीपी सिंथेसिस किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आर्जिनिन को लेते हैं। बताइए आप लोग आर्जिनिन क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, बताइए आर्जिनिन क्या है। तो आर्जिनिन जो है ना, एक क्या है, अमीनो एसिड है। तो ये इसको यूज़ करते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से याद कर लेना। आर्जिनिन प्लस वाटर, इससे मिलके बनता है सिट्रियोलिन और अमोनिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो सिट्रियोलिन है ये रिएक्ट करता है फॉस्फेट के साथ और बनाता है, आप लोगों को ये सब नाम बहुत सुने सुने लग रहे होंगे, हम लोगों ने टीसीए साइकिल वगैरह में पढ़े हुए हैं, तो मेनली वहाँ पे भी एटीपी सिंथेसाइज करवाते हैं हम। फिर ये ऑर्निथिन प्लस कार्बामाइल फॉस्फेट बनाएगा। अब क्या होगा, ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट है ये एडीपी के साथ मिलेगा, फॉस्फेट को देके एटीपी बना लेगा और CO2 प्लस NH3 में टूट जाएगा। तो अब इसको याद कैसे करें, तो सब बहुत ही सिंपल है, एटीपी बनाने के लिए माइकोप्लाज्मा आर्जिनिन अमीनो एसिड का यूज़ करेंगे। अब आर्जिनिन को अकेले नहीं लेते ये लोग, आर्जिनिन के साथ वाटर को लेते हैं और बनाते हैं सिट्रियोलिन। उसके बाद सिट्रियोलिन बनाते हैं और आर्जिनिन में, जैसा कि हमको पता है इसके स्ट्रक्चर में NH2 वगैरह होते हैं ना, तो अमोनिया निकल जाता है, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है।
अब सिट्रुलिन फॉस्फेट के साथ, अब अमोनिया तो कॉमन है, सिट्रुलिन कुछ नया सा नाम है, तो ये रिएक्ट करेगा फॉस्फेट के साथ और बनाएगा ऑर्निथिन प्लस कार्बामाइल फॉस्फेट। अब हमको एटीपी बनवाना है तो हमको फॉस्फेट की ज़रूरत होगी, तो वो हमको देगा कार्बामाइल फॉस्फेट। तो ये कार्बामाइल फॉस्फेट एडीपी के साथ मिलके एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा, और इस तरह से ये एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। अब कुछ एंजाइम्स भी लगते हैं इसमें, तो जो फर्स्ट रिएक्शन होती है आर्जिनिन की, तो वो कौन करवाता है? एंजाइम आर्जिनिन डीएमिनेज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आर्जिनिन डीएमिनेज कैटालाइज करवाता है फर्स्ट स्टेप। अब ये जो रिएक्शन है ना, कुछ फर्मिक्यूट भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि बैसिलस हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। पहले इनको फर्मिक्यूट में रखा गया था क्योंकि इनके जो कैरेक्टर थे वो फर्मिक्यूट से मिलते थे, तो ये जो कैरेक्टर है वो भी इनका फर्मिक्यूट से मिलता है। ये बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम में भी होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि माइकोप्लाज्मा जो है इसका जीनोम छोटा है, इसलिए इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म माना गया है। किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक बैक्टीरियम के लिए। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है 1 MCQ में, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। मैंने आपको स्पीसीज बताई थी, तो एक एक करके उनको उठाते हैं। अब यूरिया प्लाज्मा, नाम से ही पता चल रहा है, यूरिया प्लाज्मा, यूरिया लिटिकम की, इसका कुछ कनेक्शन ना यूरिनरी ट्रैक्ट से होगा। तो अब ये क्या करता है? यूटीआई क्रॉस करवाता है। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आप एग्जाम में अगर ये आता है तो आप ये भी लिख के आ सकते हो यूटीआई के जो सिम्टम्स होते हैं, लाइक बर्निंग सेंसेशन, और बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाती है, तो ये सब सिम्टम्स आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। अब ये जो यूरिया लिटिकम है, ये कैसे है ना सिंथेसिस करता है एनर्जी की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब ये तो हमको पता चल गया कि ये यूटीआई का एजेंट है, तो यूटीआई में मिलेगा। तो ये वहाँ पे क्या करता है? यूरिन में क्या पाया जाता है? यूरिया। ठीक है, तो ये यूरिया को हाइड्रोलाइज करेगा और बनाएगा। अब आप बताओ, जब यूरिया टूटेगा तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अच्छा मैं आपको बताती हूँ, यूरिया का फॉर्मूला होता है CH2CO NH2। तो जब ये टूटेगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो देखो यहाँ से अमोनिया एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोलाइज करके अमोनिया को इकट्ठा करवाता है, इकट्ठा को बोलते हैं एक्यूमुलेट करवाता है। ठीक है, उससे क्या बनता है? इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है। अब इससे क्या होता है, अब बताते हैं आपको। तो अब देखो, यूरिया ने हाइड्रोलाइज किया, अमोनिया एक्यूमुलेट हुआ। अब ये जो ग्रेडियंट है ना, ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स नहीं लिखोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट करता है। अब इससे क्या होता है, ये जो पोटेंशियल सिंथेसाइज होता है, इससे एटीपी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी वगैरह में, केमी ऑस्मोसिस एंड ये सब जो पोटेंशियल जनरेट होते हैं, अभी मैं इस टॉपिक में डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर बना दूंगी। तो बेसिकली हमको क्या याद रखना है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है यूरिया प्लाज्मा यूरियालिटिकम, वो एनर्जी के लिए, आप लोगों ने देखा माइकोप्लाज्मा में अर्जिनिन से वो लोग एटीपी जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन जो ये वाला है ना, इसका थोड़ा डिफरेंट है यूरियालिटिकम का। ये क्या करवा रहा है? यूरिन में रह रहा है, तो वहाँ इसको यूरिया मिल रहा है, यूरिया को हाइड्रोलाइज करके अमोनिया से एक्यूमुलेट करके एक ग्रेडियंट बना रहा है, जो कि केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जो एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये अपनी एटीपी बना रहा है। उसके बाद टू टाइप्स ऑफ ग्लाइडिंग मोटिलिटी होती है इसमें। ठीक है, ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा में टू फॉर्म्स ऑफ ग्लाइडिंग मोटिलिटी होती है। अब इसमें जो माइकोप्लाज्मा मोबाइल स्पीशीज है, ये क्या करती है? साइटो स्केलेटल लैग प्रोटीन्स, साइटो ये क्या करती है? साइटो स्केलेटल लैग प्रोटीन्स को यूज करती है टू मूव। ओके,
जैसे कि मान लो है ना, ये माइकोप्लाज्मा है, तो ये लैग प्रोटीन्स, ऐसे लैग प्रोटीन्स होंगे जो इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। दूसरा है हमारा माइकोप्लाज्मा निमोनी, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अटैचमेंट ऑर्गेनिल होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ इससे अटैच होगा और वो इसको हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा, जैसे मान लो ये हो गया आपका माइकोप्लाज्मा निमोनी, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिल ऐसे अटैच होते हैं इससे, और जब ये है ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपांड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड करेंगे तो ये ना ग्लाइडिंग मोटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो टू टाइप्स ऑफ मोटिलिटी है माइकोप्लाज्मा मोबाइल में, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि साइटोस्केलेटल लेग किस में होता है माइकोप्लाज्मा मोबाइल में, और अटैचमेंट ऑर्गेनिल किस में होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी में, जो इससे अटैच हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करता है, ठीक है। अब एनिमल्स में ये क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट में मिलेंगे यूरिया प्लाज्मा वाला, जो कि यहाँ इन्फेक्शन करेगा यूरिनरी ट्रैक्ट के, और जो निमोनिया वाला है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करेगा। तो ये सब आप इसके मेडिकल टर्म्स में लिख के आ सकते हो। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज स्पायरोप्लाज्मा, ठीक है। तो स्पायरोप्लाज्मा जो है वो एनिमल्स में आइसोलेट किया गया है, किस किस से, इंसेक्ट से, कीड़े मकौड़ों से, टिक्स जो ये जुए वगैरह टाइप्स होते हैं उनसे, और वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चरल जो प्लांट एग्रीकल्चरली काम आते हैं ना, उन प्लांट से स्पायरोप्लाज्मा को आइसोलेट किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि डिसीज़ ये कैसे कैसे कर सकते हैं, लाइक यूरिनरी इन्फेक्शन में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सब होंगे, फीवर आ सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, पेन हो सकता है। देन एक और लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, माइकोप्लाज्मा जो निमोनिया है वो क्या करता है, एटिपिकल प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, ये क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं वॉकिंग निमोनिया। ह्यूमंस में ये वॉकिंग निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इस तरह से आपका जो माइको, अच्छा ये क्वेश्चन ये है कि वॉकिंग निमोनिया क्या होता है, तो वॉकिंग निमोनिया क्या होता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से स्टार्ट होता है, और अगर हमें ना पता लगे, हम इसको ट्रीटमेंट ना कराएं, तो ये धीरे 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 पूरा एक्सपांड होने लग जाता है लंग्स वगैरह में, और हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, और अगर तब भी आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, आपकी नहीं मतलब जिसको भी वॉकिंग निमोनिया होगा। ओके, सो माइकोप्लाज्मा में इतना ही, और ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रेस्कॉट से हैं वो कवर कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।